नमस्कार दोस्तों, मैं जेपी भाकर, आप सभी का स्वागत है अपनी क्लास में। दोस्तों, अपना राजस्थान पुलिस के राजस्थान पटवारी के लिए ये मॉडल पेपर नंबर 4 है, ये शुरू होने वाला है। और पटवारी का मॉडल पेपर जिसके अंदर हम आपके लिए 150 क्वेश्चन है हम यहाँ पे आपको करवाने वाले हैं, और ये आपके पूरे पैटर्न के अनुसार होगा। ये पैटर्न किस प्रकार का होगा, ये आपका सिलेबस यहाँ पे दे रखा है। इस सिलेबस के अकॉर्डिंग सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, आप हूबहू ये आप पटवारी का मॉडल पेपर है, आप पटवारी का एग्जाम है वही दे रहे हैं। इस पेपर को देखिएगा, शुरू से लेकर लास्ट तक इसके जवाब आप दीजिएगा और अपना स्कोर जरूर शेयर कीजिएगा। अच्छा लगता है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिएगा। तो देखिए, सबसे पहला अपने पास क्वेश्चन है, केंद्र सरकार सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल खर्च को 2025 तक 1.5% से बढ़ाकर कितना परसेंट करेगी। देखिए, यहाँ पे हरिराम जी और सरोज जी और भाई कोमल जी, आप सभी का स्वागत है अपनी क्लास में। थैंक यू, आपने हमारा वेट किया इसके लिए। ठीक है, चलिए देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन अपना इसका सही आंसर हो जाएगा अपना द आंसर। दोस्तों, यहाँ पे सही आंसर है इसका 2.5 करने का लक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस देश के पूर्व क्रिकेटर क्रिकेट ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड का हाल ही में निधन हो गया है। किस देश के पूर्व क्रिकेट ऑलराउंडर जॉन रिचर्ड का हाल ही में निधन हो गया है। और यहाँ पे देखिए, अनमोल जी है, नीरज जी है, आप सभी का बहुत अच्छा लगता है। आवाज अलग लग रही है, ऐसा तो नहीं है अनमोल जी, पर चलिए कोई बात नहीं। देखिए, इसमें ए आंसर सही हो जाएगा, जॉन रिचर्ड है, ये ऑलराउंडर है, न्यूजीलैंड के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना यहाँ पे है, अरे नहीं, मैं वही हूँ भाई। भारत को कितने वर्ष के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष चुना गया है? अरे भाई, जेपी भाकर ही हूं मैं। भारत को कितने वर्ष के लिए अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन गठबंधन का अध्यक्ष चुना है? तो ये भाई 2 साल के लिए चुना गया है। कितने साल के लिए चुना गया है? 2 साल के लिए चुना गया है। इसमें ये आंसर सही हो जाएगा। सर, अब हम हमें पटवारी की तैयारी नहीं कर रहे हैं। कोई बात नहीं यार, आप पटवारी की तैयारी नहीं कर रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप पास कंटिन्यू मॉडल पेपर है, वो देखते रहिएगा। आपके यहाँ से किसी भी आप पेपर में दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपके बेस्ट क्वेश्चन आपको मैं चूज करके लाऊंगा और वो आपको मैं अवेलेबल करवाऊंगा। देखिए, मधावी पूरी बूच किस संस्था की पहली महिला पूर्णकालिक सदस्य है? तो देखिए, सबसे पहले ये आपको इनके बारे में बता देता हूँ, तो ये है सेबी की है। और देखिए, सेबी जब यहाँ पे अपना नाम आ जाता है तो इसके बारे में थोड़ा सा अपन को जान लेना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में आजकल पूछा जाता है, जैसे सेबी है, नाबार्ड है, इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा पूछा जाता है, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, सेबी सेबी की फुल फॉर्म होती है सिक्योरिटीज ऑफ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, और सेबी की स्थापना है वो हुई थी दोस्तों यहाँ पे 12 अप्रैल, कब हुई थी? 12 अप्रैल को हुई थी, 12 अप्रैल 1992 को। सेबी की कहाँ पे स्थापना हुई थी? 12 अप्रैल 1992 को स्थापना हुई थी। इसके अलावा इसका मुख्यालय है वो भी भाई कहाँ पे है? मुंबई में है। मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में है। ठीक है, याद रखिएगा 4 नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है 5 नंबर, किस राज्य ने किसानों की कठिनाइयों को कम करने के लिए ईपिक पहाड़ी मोबाइल एप्लीकेशन शुरू की है? देखिए, किस राज्य ने किसानों की कठिनाइयों को कम करने के लिए ईपिक पहाड़ी मोबाइल जो एप्लीकेशन है ये शुरू की गई है? तो ये भाई शुरू की गई है यहाँ पे महाराष्ट्र में। किसने की है? महाराष्ट्र ने की है। भाई देखो यार, अभी थोड़ा सा क्या है, गांव गया हुआ था, तो हो सकता है ठंड की वजह से गला हो, चोक हो रखा हो, या कुछ इस वजह से हो रहा हो, वो इस वजह से अलग लग रही होगी। बाकी यार कुछ नहीं है यार, वॉइस तो वही है अपना, और आप लोगों का प्यार तो वैसे ही मिलता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, अपना 6 नंबर क्वेश्चन है, बीते दिनों महज मशहूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर भानु अथैया का निधन हो गया, उन्होंने किस फिल्म के लिए ऑस्कर जीता था? तो बीते दिनों मैसूर कॉस्ट्यूम डिजाइनर है भाई वो भानु अथैया, याद रखना ये नाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपकी करंट अफेयर की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही आंसर भाई हो जाएगा, ज्ञानदी के लिए उन्होंने ऑस्कर जीता था भाई, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौधरी जी सीकर, आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर आया है सर जी। भाई वॉइस सही नहीं आ रही क्या? चलिए, 7 नंबर क्वेश्चन है, स्विट्जरलैंड के किस टेनिस स्टार ने अपने करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीता है? देखिए,
स्विट्जरलैंड के किस टेनिस स्टार ने अपने करियर का 150वां ग्रैंड स्लैम मैच जीता है? तो भाई किसने जीता है ये फटाफट बताओ। तो सही आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा स्टेन वावरिका। किसने जीता है भाई? स्टेन वावरिका ने जीता है। बे आंसर दोस्तों इसमें सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना है, भारत एलपीजी रिहायशी क्षेत्र बाजार में किस वर्ष तक चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन सकता है? देखिए भारत है वो एलपीजी रिहायशी क्षेत्र है, उसमें क्षेत्र में भाई कब तक है वर्ष दो है चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा बाजार बन सकता है? तो ये भाई बन सकता है 2030 तक बन सकता है। कब तक बन सकता है? 2030 तक। राजकुमार जी चौधरी आपका सही आंसर है भाई, बहुत अच्छा आंसर है। और अनमोल जी आप बी आंसर बता रहे हो, और दीपेंद्र जी ए आंसर है, नीरज जी आपका भी है। भारत जी कह रहे हैं सर इनका पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दिया करो। जी बिल्कुल डाल देंगे, अभी तो मैंने नहीं डाला है, देखिए मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अभी तो मैंने टेलीग्राम पे विदाउट आंसर की डाली है, पर हाँ अब आपको डाल दूंगा। गणेश जी ये प्रॉब्लम कल की क्लास में नहीं प्रॉब्लम आएगी, आज वो इसकी प्रॉब्लम हो रही है, कल नहीं होगी, गारंटी है अपनी। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सुमेलित नहीं है? देखो इनमें से कौन सा युग्म एक सुमेलित नहीं है? तो देखो गोविंद सागर है वो सतलज पे है, बिल्कुल सही है, और उकाई जलाशय तापी पे है, और वुलर झील है वो झेलम है, पर जो कोलेरू झील है ये कृष्णा पे नहीं है, केवल और कृष्णा के साथ में गोदावरी घाट नदी घाटी भी है, ये गोदावरी नदी घाटी में भी है, तो याद रख लेना भाई इसमें गोदावरी नदी घाटी भी होगा, यानी कृष्णा एवं गोदावरी नदी घाटी होगा, तो इसमें बे आंसर में क्या करूंगा, सही आंसर करूंगा। और लक्षराज जी आपका आंसर 9 में बी आंसर बिल्कुल सही है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्न में से किस से भी होकर गुजरता है? और सरोज जी आपका आंसर भी बिल्कुल सही है, और यहाँ पे शर्मा जी आपका आंसर भी बिल्कुल सही आ रहा है। देखिए यहाँ पे सिक्किम से गुजरने वाला अक्षांश निम्नलिखित में से किस से भी होकर गुजरता है? जो सिक्किम से जो अक्षांश गुजरता है ना भाई वो राजस्थान से भी होकर गुजरता है, तो एक राजस्थान जीके की दृष्टि से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है ये, तो बे आंसर भाई यहाँ पे क्या होगा अपना, सही आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक का मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? और ये क्वेश्चन भाई जो दिल्ली पुलिस का एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए बता देता हूँ, ये क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं मुख्यालय के क्वेश्चन है, दिल्ली पुलिस में पूछे जा रहे हैं, अगर तैयारी कर रहे हैं कोई भाई तो अच्छे से देख के जाया करो ऐसे क्वेश्चनों को। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा बैंक है, इसका मुख्यालय तो वॉशिंगटन है, वैसे जेनेवा के अंदर बात करूं मैं तो जेनेवा में देखो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन का भी है, और रेड क्रॉस है वो भी जेनेवा के अंदर है। जेनेवा में क्या क्या है याद रखिएगा, विश्व व्यापार संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन और रेड क्रॉस, ये जेनेवा में है। इसके अलावा देखो न्यूयॉर्क की बात करें, न्यूयॉर्क के अंदर यूनिसेफ है, और ये भी याद याद रखिएगा न्यूयॉर्क में क्या है, यूनिसेफ है, और पेरिस के अंदर है यूनिस्को है, पेरिस में क्या है यूनिस्को है, याद रखिएगा। यहाँ पे वॉशिंगटन डीसी अपना सही आंसर हो जाएगा, दया आंसर। तो मैंने आपको तीन चार मुख्यालय बताए हैं, इनको आप पीडीएफ फाइल में अवेलेबल करवा दूंगा मैं ये सारे, और वैसे भी आप इनको याद कर लीजिएगा लिख लिख। जनगणना 2011 के अनुसार ऋणात्मक वृद्धि वाला एकमात्र राज्य, देखिए जनगणना 2011 के अनुसार ऋणात्मक वृद्धि, गणेश जी शर्मा स्वागत है, चौधरी जी आपका आंसर भी बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं, इसके अलावा सार्थिक शर्मा जी आपका आंसर आ रहा है, अनमोल जी अच्छा आंसर आ रहा है, सही आंसर भाई नागालैंड हो जाएगा यहाँ पे, सही आंसर ऋणात्मक वृद्धि वाला एकमात्र राज्य है 2011 में नागालैंड। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, असंगत अपन को बताना है, यानी इनमें से तीन तो सही है एक गलत है, तो हम देखेंगे कि न्याय दर्शन है ये मैत्री गौतम है बिल्कुल सत्य है, सांख्य दर्शन मैत्री कपिल बिल्कुल सत्य है, और मीमांसा दर्शन आपने अगर पहले ढंग से पढ़ा है तो मीमांसा दर्शन है वो मैत्री जेमिनी है, मीमांसा के कौन है महर्षि जेमिनी है, मीमांसा के कौन है महर्षि जेमिनी है, तो यहाँ पे सही आंसर क्या होना चाहिए आपका, यहाँ पे सही आंसर आपका सही होना चाहिए, योगदा पतंजलि हो जाएगा, और महर्षि कर्णाद है ना वो वैश्विक वैशेषिक दर्शन के हैं, महर्षि कर्णाद क्या है वैशेषिक दर्शन के हैं, याद रखिएगा सही आंसर इसमें सही आंसर हो जाएगा, आपने सही पकड़ा है भाई लोगों ने। यहाँ पे देखिए राजबहादुर जी है, इसके अलावा गणेश जी है, और इसके अलावा भाई चौधरी जी आपका आंसर भी सही था, और भी भाई राज बहुत जनों ने सही आंसर दिया है, रमेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, भारत सरकार ने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक लोकसभा में कब पेश किया? भारत सरकार में पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त विधेयक लोकसभा के अंदर पेश किया गया था 9 मई 1968 को, दया आंसर दोस्तों इसमें सही आंसर होगा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, देखिए भारतीय नागरिकों को प्रदान किए गए मूल अधिकारों को, तो जो भारतीय नागरिकों को जो प्रदान किए गए मूल अधिकार है उनको क्या नहीं किया जा सकता, उनको निलंबित किया जा सकता है, उनको क्या किया जा सकता है, निलंबित किया क्या किया जा सकता है। सर हम तो रह गए राजस्थान पुलिस में, यार अनमोल जी देखो मैंने अपनी बहुत मेहनत करवाई थी, और अपना ऐसा भी नहीं है कि जो मैंने मेहनत करवाई हो वो बेकार थी, अपनी मेहनत, अपने जो क्वेश्चन करवाए थे ना हमने मॉडल पेपर 111 मॉडल पेपर, उनमें से अधिकतर क्वेश्चन अपने सही हुए थे भाई, अधिकतर क्वेश्चन वहां पे आए थे, आपने ली है क्लास मेरी हर क्लास तो आपको पता है। वायसराय की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय सदस्य किसे बनाया गया, वायसराय की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय सदस्य बनाया गया था डॉक्टर एपी सिन्हा को, किसे बनाया गया था भाई, डॉक्टर एपी सिन्हा को प्रथम कार्यकारिणी का सदस्य बनाया गया था। राजनीतिक दल जनतंत्र में कहीं अधिक प्राचीन है, ये कथन किस विद्वान का है, राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है, ये कथन किस विद्वान का है, इसका आंसर बताइएगा भाई लोगों। हाँ बिल्कुल, पेपर देखो कई हार्ड आए थे कई इजी आए थे, दोनों दोनों मिला जुला प्रभाव था, ऐसा नहीं है कि पेपर इजी थे राजस्थान पुलिस के। देखिए राजनीतिक दल जनतंत्र से कहीं अधिक प्राचीन है, ये कथन है वो थे ब्राइस का, ये कथन किसका था भाई, ब्राइस का था, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट है, वर्ष 1956 में राज्य का पुनर्गठन करने से कितने राज्य और संघ राज्य क्षेत्र बने थे, तो यहाँ पे जब आ जाता है तो वर्तमान में कितने राज्य हैं, वर्तमान में 28 राज्य हैं, वर्तमान में कितने राज्य हैं, 28 राज्य हैं, और संघ राज्य क्षेत्र कितने हैं यानी केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है, याद रख लीजिएगा वर्तमान के अंदर ये है, पर 1956 के अंदर है वो थे 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र यानी केंद्र शासित प्रदेश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, यार क्या बात है यार, ब्राइस सही आंसर बताया अनमोल जी आपने, स्टार प्लस से आप तो सही आंसर बता रहे हो, ठीक है। अभी देखिए अभी लाइव तो मैं उदयपुर सिटी से हूँ। चलिए संविधान की धारा 170 के अनुसार किसी भी विधानसभा की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, देखिए विधानसभा की धारा 170 के अनुसार किसी भी विधानसभा की अधिकतम संख्या है वो 500 हो सकती है, कितनी हो सकती है भाई, 500 हो सकती है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, जिस समय स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था उस समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था, देखिए स्थायी बंदोबस्त से जब लागू किया गया था उस समय स्थायी बंदोबस्त के समय भारत का जो गवर्नर जनरल है वो था कॉर्नवालिस, याद रखिएगा बहुत अच्छा ही आंसर है यहाँ पे द आंसर। और चौधरी जी बार बार पूछ रहे हैं सर आप कहाँ से लाइव हो, देखिए मैं लाइव अभी वर्तमान के अंदर उदयपुर सिटी से हूँ। जी शर्मा जी आप भी उदयपुर से हो, बहुत अच्छी बात है। देखिए मिट्टी का हल या कई बार लिखे जाता है मिट्टी के खिलौने पाया जा गया था, तो देखिए मिट्टी का हल ये पाया गया था या मिट्टी के खिलौने हैं वो पाए गए थे, तो ये बनवाली से पाए गए थे, कहाँ से पाए गए थे, बनवाली से पाए गए थे, सही आंसर दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है बनवाली तो सही आंसर सही है। और यहाँ पे देखिए कोमल जी आपका आंसर डी आया था इसमें, तो थोड़ा सा आप गलत बता गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, सिंधु सभ्यता में आग से पक्की मिट्टी की मूर्तियों को कहते थे, देखिए सिंधु सभ्यता है वो आग से पक्की मिट्टी है, मिट्टी की जो तो मूर्तियां हैं उनको किस नाम से जानते थे, तो उनको हम जानते थे टेराकोटा के नाम से, किस नाम से जानते थे, टेराकोटा के नाम से जानते थे। नेक्स्ट है, भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन और कब बने, अगर आपको लगता है कि यार मैं थोड़ा स्लो हूं तो मैं थोड़ा फास्ट हो सकता हूँ, अगर स्पीड सही है तो आप कमेंट कर सकते हैं कि हाँ सर स्पीड सही है। देखिए भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन और कब बने, तो यहाँ पे एक तो साफ पता है कि हेस्टिंग थे, सभी जगह हेस्टिंग दे रखा है, पर आप कब बने थे भाई, ये क्वेश्चन अपने आप में अपने इस पेपर को हार्ड बना देते हैं, इस क्वेश्चन को हार्ड ये बना देता है, तो सही आंसर क्या हो जाता है यहाँ पे, द आंसर यहाँ पे सही आंसर है 1973 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा के रास्ते से कहाँ पहुंचकर भारतीय झंडा फहराया, और देखिए यहाँ पे राजकुमार जी आपने सही आंसर दिया है, अनमोल जी करें फास्ट चलने दीजिए, बिल्कुल चौधरी जी आपका आंसर भी बिल्कुल सही है, सुभाष चंद्र ने बर्मा के रास्ते से कहाँ पहुंचकर भारतीय झंडा फहराया, तो ये भाई कोहिमा में फहराया था, कहाँ पे फहराया था, कोहिमा के अंदर फहराया था, याद रखिएगा इसको। मराठा साम्राज्य और ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि ने किस वर्ष सालवाई की संधि पर हस्ताक्षर किए, अब देखो कितना अच्छा प्यारा क्वेश्चन है, कल मैंने आपको बसिन की संधि करवाई थी पिछले मॉडल पेपर में, बसिन की संधि आपको पता है कि किन किन के मध्य हुई थी,
वो भी मैंने आपको बताया था। अब यहाँ पे आज है कि मराठा साम्राज्य और इस ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, इनके मध्य सालबाई की संधि हुई है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सालबाई की संधि किनके मध्य हुई थी, फिर कहोगे सर आपका क्वेश्चन आया नहीं था। अरे भाई क्वेश्चन में से ही आंसर बन गए ना, तो ये भी याद रखा करो सालबाई की संधि किन किन के मध्य हुई। और इस पर देखो हस्ताक्षर है, ये हुए थे 17 मई, 17 मई 1782 में हुए थे। कब हुए थे? 17 मई 1782 के अंदर, ठीक है। तो दया आंसर इसमें सही कर देंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा चालू की थी। देखिए किस दिल्ली सुल्तान ने सांकेतिक मुद्रा चालू की थी, तो सांकेतिक मुद्रा है ये चालू की थी भाई मोहम्मद तुगलक ने। किसने चालू की थी? मोहम्मद तुगलक ने। चौधरी जी सिक्कर आपका आंसर आ रहा है, कोमल जी अज्जू आपका आंसर आ रहा है, स्टार प्लस स्टडी आपका आंसर भी आ रहा है, राज बहादुर मीणा आपका आंसर आ रहा है। बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं भाई आप लोगों के, बहुत अच्छा लगता है जब इस प्रकार से आप कमेंट करते हैं। पर यार देखो जिसने भी भाई ने अभी तक लाइक नहीं किया है ना, वो फटाफट लाइक करो और अपने दोस्तों के बीच में एक बार शेयर जरूर कर दो। सुप्रसिद्ध साहित्यिक कृति तहिक ए हिंद की रचना किसने की? तो ये की है भाई अलबरूनी ने। किसने की है? अलबरूनी ने। बालकन शब्द किस स्थलाकृति से संबंध है? बालकन शब्द किस स्थलाकृति से संबंध है? तो बालकन शब्द है यहाँ पे, स्थलाकृति पूछी है, तो ये भाई पर्वत से संबंधित है। किससे है? पर्वत से संबंधित है, इसमें द आंसर सही हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के हस्ताक्षर को मनाने के लिए निम्न में से कौन सा दिवस मनाया जाता है? भाई कौन सा दिवस मनाया जाता है? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे जुड़ा हुआ है? सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, आपके लिए एक अलग से यहाँ टॉपिक डाल रखा है पारिस्थितिकी से जुड़ा हुआ, तो यहाँ से क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल भी पूछा जाएगा, तो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे जुड़ा हुआ है याद होना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा भाई, इसमें विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। कब मनाया जाता है ये भी आपसे पूछा जा सकता है, जब अलग से टॉपिक दिया है तो पूछा जा सकता है, ठीक है। तो 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1992 में हुआ था, ये भी याद रखो भाई, ऐसे ऐसे याद रखो यार। मॉनिटरी प्रोटोकॉल कब हुआ, किससे जुड़ा हुआ है, ये सारे याद रखो आप। यहाँ पे राजकुमार जी बता रहे हैं, निम्नलिखित में से किस दर्रे को भारत चीन और म्यांमार का त्रिकोणीय संगम कहा जाता है? दरा वाला क्वेश्चन भी आता है, तो ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, तो सही आंसर इसमें हो जाएगा। देखो त्रिकोणीय संगम है ना, भारत चीन और म्यांमार, ये दीफू दरा है। कौन सा दरा है? दीफू दरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है। भाई रियो डी जेनेरियो 1992 में पृथ्वी पृथ्वी सम्मेलन हुआ था वहां पे, ठीक है। ये अलग है, मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल अलग है, दोनों अलग अलग है। अवतल लेंस के सामने रखी वस्तु का प्रतिबिंब सदैव होता है, तो ये होता है हमेशा आभासी और सीधा। क्या होता है? आभासी होता है और सीधा होता है। फ्यूज तार बना होता है, देखिए फ्यूज तार किसका बना होता है? तो फ्यूज तार है ये किसका बना होता है? बहुत अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, मैं इसको इंपॉर्टेंट देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देता हूँ, तो याद रखिएगा। सही आंसर हो जाएगा इसमें, टिन और शीशे की धातु का बना होता है। किसका बना होता है? टिन और शीशे की धातु का। डॉक्टर भाभा ने अंतरिक्ष किरणों में किस कण की उपस्थिति को पहचाना? डॉक्टर भाभा ने अंतरिक्ष किरणों में किस कण की उपस्थिति को पहचाना? तो देखिए डॉक्टर भाभा है, उनके द्वारा अंतरिक्ष किरणों में किस कण को पहचाना था? तो ये मेसोन कण को पहचाना था। कौन से कण को पहचाना था भाई? मेसोन कण को पहचाना था। मेंडल का स्वतंत्र अपोहन का नियम के अवलोकनों पर आधारित है। देखिए अनमोल जी बिल्कुल आपका सही आंसर है, राजकुमार जी तीन शीशे का आपका बिल्कुल सही था आंसर, ठीक है। 37% बता रहे हो, स्टार स्टडी प्लस आप भी सही बता रहे हो। चलिए देखिए मेंडल का स्वतंत्र अपव्यय का नियम ये द्विध्रुव संकरण के अवलोकनों पर आधारित था, बाय आंसर इसमें सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, रक्त के धक्के जमने का कारण है, रक्त के धक्के का जमने का कारण है। देखिए रक्त का धक्का है वो जमने का कारण है, वो है थ्रोम्बिन। अब कई बहन भाई बंधु उक्त सभी देख लेंगे, उक्त सभी कर देंगे, ऐसा नहीं है भाई। देखिए थ्रोम्बिन है, प्रोटीन होता है, ये रक्त के धक्के का जमने का कारण होता है। इसके अलावा विटामिन के ये भी रक्त का धक्का जमाता है। इसके अलावा नहीं
रक्त के अंदर और पाया जाता है, देखो क्या है, प्लाज्मा, अभी देख प्लेटलेट, उससे भी रक्त का धक्का जमता है। ये याद रखा करो यार आप, रक्त का धक्का किस किस कारण से है, ये तीनों चारों पूछा जाता है। हीमोग्लोबिन में लो तत्व पाया जाता है, एपी पाया जाता है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे, हैजा के रोगाणुओं की खोज किसने की थी? हैजा के रोगाणुओं की खोज किनके द्वारा की गई? कितना अच्छा क्वेश्चन है कि हैजा के रोगाणुओं की खोज किनके द्वारा की गई, तो जो हैजा के रोगाणु है उनकी खोज है वो रॉबर्ट कोच ने की थी। किसने की थी भाई? रॉबर्ट कोच ने की थी। चेचक होने का कारण है, देखिए चेचक होने का क्या कारण है, ठीक है, अनमोल जी कोई बात नहीं, सुबह देख लीजिएगा, पर देख जरूर लीजिएगा। देखिए चेचक होने का कारण क्या है, यह है वेरियोला वायरस। दया आंसर दोस्तों इसमें सही है। और किस पारिस्थितिक तंत्र का जैव भाव बायोमास अधिकतम है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, पारिस्थितिकी से जुड़ा हुआ है, पर्यावरण पारिस्थितिकी से, तो इसको भी याद करो आप। किस पारिस्थितिकी तंत्र में जैव भाव बायोमास अधिकतम है? तो भाई ये है घास भूमि में। किसमें है सबसे अधिकतम? घास भूमि का सबसे अधिकतम है बायोमास इन चारों में से, याद रखिएगा। तो ये अपना पार्ट ए है, पार्ट ए हमने कंप्लीट किया है, अब हम पार्ट बी करेंगे, राजस्थान जीके। और आज आपको राजस्थान जीके के बहुत शानदार क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, आप कहोगे कि वाकई में अच्छे क्वेश्चन थे। तो पार्ट बी शुरू करेंगे, पर पार्ट बी से पहले भाई जिसने भी भाई ने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, बेल आइकन नहीं दबा रखा है ना, अपनी ईमानदारी से सब्सक्राइब करो और बेल आइकन फटाफट दबाओ, ठीक है, और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करो। सर मेरा पटवार 17 को है, 10 वाला पेपर हल करा देना। हाँ बिल्कुल पेपर हल करवाएंगे। निम्नलिखित में से कौन खानवा के युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में लड़े? देखो खानवा का युद्ध में राणा सांगा के पक्ष में कौन कौन लड़े, आपके पास तीन चार नाम दे दिए भाई ये, ठीक है, हसन खां चार नंबर है ये, ठीक है। अब इनमें से कौन कौन लड़े थे? तो देखो मेदनी राम भी लड़ा था, मालदेव भी लड़ा था, महमूद लोधी भी लड़ा था, और हसन खां भी लड़ा था, यानी सारे के सारे लड़े थे, ठीक है। किनके पक्ष में? खानवा का युद्ध राणा सांगा के पक्ष में, याद रख लेना। बाबर और सांगा के बीच में हुआ था, 1527 में युद्ध हुआ था, ये भी याद रखना भाई, ठीक है। ठीक है, अब देखो इसके अलावा 17 मार्च 1527 में वो युद्ध हुआ था, ठीक है, और पहला गोला है ना, पहला गोला खानवे के युद्ध का, जो खानवा का युद्ध का पहला गोला वो किसने दागा था? मालदेव ने दागा था। किसने दागा था भाई? मालदेव ने दागा था, ठीक है, पहला गोला मालदेव ने दागा था, राजकुमार था ये भाई, ठीक है, तो इसने युद्ध लड़ा था। रमझोल है, देखिए रमझोल है, तो रमझोल क्या है भाई फटाफट बताओ। तो रमझोल क्या होता है कि एक चमड़े की पट्टी होती है, ठीक है, उसके चारों ओर घुंघरू बंधे हुए होते हैं, ठीक है, चमड़े के चारों ओर ऐसे, ठीक है, उसके चारों ओर क्या है, घुंघरू बंधे हुए होते हैं, तो इस प्रकार से ये घनवाद है। तो रमझोल क्या है? घनवाद है, वह आंसर है। और इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है? इसका प्रयोग घेर में भी किया जाता है, और चक्राकार जितने भी नृत्य हैं उनमें भी किया जाता है, याद रख लेना। नेक्स्ट है, प्रथम व्यक्ति जिन्होंने राजस्थानी भाषा का वृद्ध शब्द कोश तैयार किया था, पहला व्यक्ति जिन्होंने राजस्थानी भाषा का वृद्ध शब्द कोश तैयार किया था, तो ये थे भाई सीताराम लालस, और इसे राजस्थानी भाषा का पाणिनि भी कहते हैं। तो ये कई बार पूछ लिया जाता है कि राजस्थानी भाषा का पाणिनि किसे कहा जाता है, तो राजस्थानी भाषा का पाणिनि कहा जाता है ये सीताराम लालस को, ठीक है। पाणिनि कौन थे भाई? एक संस्कृत के विद्वान थे, याद रखिएगा। दे आंसर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान के किस दुर्ग को जमीर का जेवर की उपमा दी गई है? राजस्थान के किस दुर्ग को जमीर का जेवर की उपमा दी गई है? तो दोस्तों जमीन, माफ कीजिए, जमीर नहीं, जमीन, जमीन का जेवर की उपमा दी गई है। तो देखिए जमीन का जेवर की उपमा दी गई है जूनागढ़ को, किसे दी गई है? जूनागढ़ को दी गई है, सही आंसर दोस्तों इसमें सही हो जाएगा। राजस्थान के किस दुर्ग को जमीन का जेवर की उपमा दी है? तो ये दी है जूनागढ़ दुर्ग को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान महल कहाँ स्थित है? मान महल कहाँ स्थित है दोस्तों? मान महल कहाँ स्थित है? मान महल ये मान सिंह के द्वारा निर्मित किया हुआ है, किनके द्वारा बनवाया हुआ है? मान सिंह के द्वारा बनवाया गया है, पुष्कर झील के किनारे बनाया है,
कहाँ पे बनाया है भाई? मानसिंह के द्वारा पुष्कर झील के किनारे बनाया गया है। तो सही आंसर है पुष्कर हो जाएगा भाई इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रासिया जनजाति में किसी व्यक्ति की मृत्यु पर जिस स्मारक का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं? देखो, ग्रासिया जनजाति में कोई भी व्यक्ति मर जाता है और उसकी याद के अंदर एक स्मारक बनाया जाता है, उस स्मारक को किस नाम से जानते हैं? फटाफट बताओ भाई। तो सबसे पहले तो बात करते हैं हेलरू की। तो देखो, हेलरू है ये ग्रासिया समाज की सहकारी संस्था है। हेलरू क्या है? ग्रासिया समाज की सहकारी संस्था है। तो कई बार इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हेलरू क्या है, तो याद रखना भाई, हेलरू ग्रासिया समाज की सहकारी संस्था है। और घेंटी क्या है, ये भी आपको पता होना चाहिए कि घेंटी क्या है भाई। तो घेंटी है ये जो हाथ से चक्की होती है, हाथ से पीसने की, ग्रासिया घरों में प्रयुक्त हाथ चक्की है ये भाई, हाथ चक्की है। और भाई सही आंसर इसका हो जाएगा द हुरे। क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? है हुरे। इसके अलावा भाई सबसे पहले एक चीज और ध्यान रखना ग्रासिया समाज से, कि ग्रासिया समाज के पूर्वज है ना, उनकी जो अस्थियां विसर्जन है ना, वो माउंट आबू की नक्की झील में की जाती है। जब इससे क्वेश्चन जुड़ा हुआ है तो ये भी जुड़ा हुआ है ना, ये भी आपको ध्यान रखना है कि नक्की झील में पूर्वजों की अस्थियां कौन सी जनजाति विसर्जित करती है? तो याद रखना ग्रासिया। तो ये क्वेश्चन थे मैंने आपको बताया। अब देखो 45 नंबर क्वेश्चन, राजस्थान में त्यागपत्र को किस देशी रियासत ने सबसे पहले सीमित करने का प्रयास किया? राजस्थान में त्यागपत्र को सबसे पहले, त्यागपत्र क्या होती है, जो होते हैं ना भाई, जो मांग करते थे दूसरे लोग उनसे शादी विवाह पे, कि भाई हमें इस हिसाब से दो, इस हिसाब से दो। जैसे ढोल बजाने वाला है वो मांग करता था, इसके अलावा जो पालकी उठाने वाला था वो मांग करता था, उनसे वो त्याग पड़ता थी। ठीक है, तो उसको सीमित करने का प्रयास है वो किया था भाई जोधपुर रियासत ने। और कब किया था भाई? 1841 ईस्वी के अंदर किया था भाई। सही आंसर इसमें हो जाएगा भाई सही आंसर। देखो भाई यहाँ पे देखो, दे आंसर बता रहे हैं और बे आंसर बता रहे हैं, गलत बताया सभी भाई बंधुओं ने। तो भाई सही करो आंसर, ऐसा नहीं चलेगा। कुटकड़िया, कुटकड़िया किस प्रसिद्ध नाट्य का सूत्रधार है? कुटकड़िया किस प्रसिद्ध नाट्य का सूत्रधार है भाई? राजस्थान का सबसे प्राचीन प्राचीन लोक नाट्य है ये, राजस्थान का सबसे प्राचीन लोक नाट्य है, सबसे प्राचीन लोक नाट्य ये है, सबसे प्राचीन लोक नाट्य, सबसे प्राचीन लोक नाट्य है। चलो मैंने लिख दिया सबसे प्राचीन लोक नाट्य, आपको हिंट दे दी, एक हिंट और दे देता हूं, इसे लोक नाट्यों का मेरु नाट्य कहते हैं। इसे लोक नाट्यों का क्या कहते हैं? मेरु नाट्य कहते हैं। और ये है भाई गौरी या राई, ये क्या है? गौरी या राई। और सही आंसर हो जाएगा दे। और ये 40 दिन तक चलता है। कितने दिन तक चलता है? 40 दिन तक चलता है। दे आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, किस चित्र शैली में मत्तीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्य रचना रसराज का चित्रण हेतु विषय के रूप में प्रयोग किया गया? किस चित्र शैली में मत्तीराम रचित 19वीं शताब्दी की हिंदी साहित्यिक रचना रसराज का चित्रण हेतु विशेष विषय के रूप में प्रयोग किया गया? तो किसमें किया गया भाई? तो ये मारवाड़ चित्र शैली के अंदर किया गया है। किसमें किया गया है? मारवाड़ चित्र शैली में किया गया है। कुंज बिहारी जी मेहता, आपका आंसर सी था, बिल्कुल सही आंसर था सर जी आपका। हरी राम जी कह रहे हैं गुस्सा हो रखे हैं आज सर जी, थोड़ा जल्दी आ जाया करो भाई, कल 9:30 बजे आ जाऊंगा फिक्स। सागरमल गोपा को राजद्रोह का आरोप में कितने वर्ष कठोर कारावास की सजा दी गई? देखो, सागरमल गोपा जैसलमेर का गुंडा राज, उन्होंने बुक लिखी थी, ठीक है, जैसलमेर का गुंडा राज इनके द्वारा लिखी गई थी। और ये कुत्ते भी है ना भाई, इस समय भौंक रहे हैं ऐसे, क्या करें भाई, गली है पीछे भौंकते हैं। पर देखो बात हम करते हैं सागरमल गोपा की, जैसलमेर का गुंडा राज, इनके द्वारा पुस्तक लिखी गई थी और इनको जैसलमेर जेल के अंदर केरोसिन तेल डालकर जला दिया गया था, ये भी याद रखना। और इनको 6 वर्ष की कारावास की सजा सुनाई गई थी, याद रख लेना, दे आंसर इसमें सही है। म्यूटिनीज इन राजपूताना पुस्तक के लेखक कौन है? म्यूटिनीज इन राजपूताना पुस्तक के लेखक कौन है? तो भाई देखो 49 क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन है,
हाँ राजकुमार जी बिल्कुल सही आंसर दिया है भाई। ठीक है अब देखो, म्यूटिनी इन राजपूताना पुस्तक के लेखक कौन है? उसका सही आंसर हो जाएगा आईटी पिचार्ट है। कौन है? आईटी पिचार्ट, आईटी पिचार्ट है। और 50 नंबर क्वेश्चन अपना, यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड दे रखा है, मॉडर्न बेकरीज दे रखा है, इंस्ट्रूमेंटन लिमिटेड दे रखा है, इनके ऊपर विचार करना है। तो भाई ये क्वेश्चन है थोड़ा सा के मिसप्रिंटिंग हो गया है। ठीक है तो क्वेश्चन जो ऊपर लिखना था ना, विचार कीजिए, यहाँ पे जो एक लाइन थी वो लाइन छूट गई है। ठीक है लाइन ये थी कि इसमें से ये राजस्थान सर अपने भारत सरकार द्वारा पोषित कौन कौन से हैं? तो भारत सरकार के द्वारा पोषित ये चार तीनों ही है। ठीक है याद रखना, एक लाइन छूट गई थी। क्वेश्चन नंबर अपना 51, अप्रधान खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का देश में स्थान है। देखो अप्रधान खनिजों के उत्पादन में राजस्थान का देश में पहला स्थान है, ये तो कथन दे रखा है। कारण क्या दे रखा है कि राजस्थान में प्राप्त होने वाले 89 प्रकार के खनिजों में से 77 प्रकार के खनिजों का उत्पादन किया जाता है। अब अपन को कारण और दोनों में ध्यान देखना है, तो इसका सही आंसर है वो भाई हो जाएगा इसमें से, ए सही है परंतु आर गलत है। इसमें ए तो क्या है सही दे रखा है, पर आर है वो क्या है गलत है। इसमें आर गलत क्या है? एक तो यहाँ पे जो 89 है ना, ये 81 होगा। दूसरी बात, यहाँ पे 57 होगा। यहाँ पे कितनी कितना होगा? 57 होगा, तब जाके ये सही होगा। तो याद रख लेना इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कोपेन द्वारा वर्णित प्रदेश के जलवायु क्षेत्रों में निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो भाई फटाफट बताओ कि उनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखो इसमें सुमेलित है ना सारे ही है, ये सुमेलित है, ये सुमेलित है, और ये सुमेलित है, पर इसका जो पहला ऑप्शन है ना ये सुमेलित नहीं है। ये AW है ना, ये उष्ण कटिबंधीय आंध्र प्रदेश को शामिल किया जाता है, जिसके अंदर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़ का दक्षिणी भाग और झालावाड़ क्षेत्र आते हैं। तो इसमें ए आंसर है वो गलत है, बाकी सारे सही है। नेक्स्ट है अनास, अराव वह सोम नदी जिस नदी की सहायक नदियां हैं वो है। देखो अनास, अराव और सोम नाम दे रखा है यहाँ पे, अनास दे रखा है, एराव दे रखा है और सोम दे रखा है। ये किस नदी की सहायक नदियां हैं भाई? नदी किसकी सहायक संधि है फटाफट बताओ भाई। कोमल जी, अंजू, अज्जू, आपने बहुत सही आंसर दिया भाई। ए आंसर, AW आपका बहुत अच्छा आंसर है। चलिए तो सही आंसर हो जाएगा इसमें, माई नदी की ये सहायक नदियां हैं। किसकी है भाई? माई की है। और देखो माई का उद्गम कहां से होता है? माई का उद्गम है, माई का उद्गम है ये कहां से होता है फटाफट बताओ। तो माई का उद्गम है ये होता है, ये मध्य प्रदेश के धार जिले के सरदारपुर की मेहंद झील विंध्याचल की पहाड़ियों से होता है। और इसका जो परवा क्षेत्र है उसको 56 का मैदान कहते हैं। परवा क्षेत्र को क्या कहते हैं? 56 का मैदान कहते हैं। ठीक है याद रख लेना भाई। तो इसमें से सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी परंपरागत जल संरक्षण की विधि जैसलमेर जिले से संबंधित है? और इसको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो आप इसको बता सकते हो। देखो पालीवाल ब्राह्मणों के द्वारा ये की जाती है, पालीवाल ब्राह्मण ये भी याद रख लेना, पालीवाल ब्राह्मण। ठीक है पालीवाल ब्राह्मणों से ये जुड़ी हुई है। तो ये है सही आंसर है खड़ीन। ठीक है 55 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान की जलवायु उपोष्ण तथा पश्चिमी बंगाल की जलवायु उष्ण आंध्र है। ये तो कथन दे रखा है, कारण दे रखा है, राजस्थान तथा पश्चिमी बंगाल लगभग समान अक्षांशीय वाले राज्य है। तो देखो ए और दो दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। दोनों चीजें सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, पर ये कारण की व्याख्या सही नहीं करता है, ये कारण की सही व्याख्या नहीं करता है। राजकुमार जी स्टार प्लस स्टडी, आपका आंसर बिल्कुल सही है जी सर जी। कविता जी विष्णु, आपने भी सही आंसर दिया है। चलो सही आंसर कौन सा हो जाएगा इसमें भाई? ए आंसर हो जाएगा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? अब देखो इसमें से सही सुमेलित कौन सा नहीं है? तो देखो भाकर, पहला अपन के पास ऑप्शन दे रखा है भाकर। तो भाकर के अंदर क्या है? सिरोही जिले में अवस्थित कटकनुमा पहाड़ियां, बिल्कुल सही बात है, इसी को कहते हैं।
कोटड़ी गांव की पहाड़ी, जैसलमेर स्थित इन पहाड़ियों से कांकणी नदी का उद्गम होता है, ये भी बिल्कुल सही बात है। और मेवल, मेवल डूंगरपुर और बांसवाड़ा के मध्य पहाड़ी भाग को कहते हैं, बिल्कुल सही है। तो चौथा नंबर है ना, ये गलत हो जाएगा। पाली सीट जरा जो NH-14 से गुजरता है, देखो जीलवा की नाल और पगलिया की नाल, एक तो है जीलवा की नाल और एक है पगलिया की नाल, ठीक है, पगलिया की नाल ये भी याद रख लेना भाई, पगलिया की नाल। ये कहाँ पे स्थित है? ये राजसमंद में स्थित है। कहाँ पे स्थित है? राजसमंद के अंदर स्थित है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ती है। ये किसको जोड़ती है? मेवाड़ और मारवाड़ को जोड़ती है, ये भी याद रख लेना भाई। तो द आंसर इसके अंदर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत युग्म को अपन को यहाँ पे पहचानना है। यूरेनियम दे रखा है कुराड़िया, तांबड़ा दे रखा है राजमेल, गुलाबी संगमरमर दे रखा है बाबरमल। ये तो तीनों सही है, पर जिप्सम जो पलाना है ये गलत है। जिप्सम आपको पता है नागौर के अंदर गोठ मांगलोर क्षेत्र में मिलता है, तो द आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? अपना गलत आंसर हो जाएगा। तो हम इसको करेंगे राइट, भर देंगे भाई वो मार्क शीट में। ठीक है कविता जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका। दिनेश जी मीना, आपने सी आंसर बताया था। गिरजा पारिक, सी आंसर बता रहे हो आप। चलिए, राजस्थान के किस भाग में दिन में उच्च और रात में न्यून तापमान होता है? तो राजस्थान का कौन सा भाग है दिन जिसमें दिन के अंदर तो उच्च तापमान हो जाता है और रात में न्यून तापमान हो जाता है? तो ये भाई पश्चिमी है, जो पश्चिमी भाग है ना उसमें। 59 नंबर क्वेश्चन है, राज्य सूचना आयोग में एक राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा अन्य सूचना आयुक्त अधिकतम 10 होते हैं। देखो राज्य सूचना आयोग है, उसमें एक तो राज्य मुख्य सूचना आयुक्त होता है और अन्य सूचना आयुक्त जो अधिकतम 10 हो सकते हैं, होते हैं बिल्कुल। ये तो कथन दे रखा है, कारण दे रखा है, राजस्थान राज्य सूचना आयोग एक सांविधिक तथा स्वायत्त निकाय है। तो अब अपन को इसमें सही आंसर बताना है, तो सही आंसर है ये हो जाएगा, ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। ठीक है, कथन तो दोनों सही है, कथन और कारण दोनों सही है, पर जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं करता है, याद रख लेना। 60 नंबर क्वेश्चन, सबसे कम अवधि के लिए राज्य के मुख्यमंत्री रहे? तो बिल्कुल सही है, डीबी गुप्ता, बीडी गुप्ता बने हैं, बिल्कुल सही है राजकुमार जी। सबसे कम अवधि के लिए राज्य के मुख्यमंत्री रहे, तो सबसे कम अवधि के लिए रहे हैं भाई ये हीरालाल देवपुरा, सही आंसर, इसमें सही आंसर है। इस क्वेश्चन को अच्छे से करना, सुमेलित नहीं है इसमें से, बताओ भाई सुमेलित कौन सा नहीं है? ठीक है, राजस्थान खनिज नीति 2015 कब जारी की गई? और ये सही आंसर हो जाएगा, 5 जून 2015 को जारी की गई थी, बिल्कुल सही है जी। ठीक है, जयपुर मेट्रो का विधिवत शुभारंभ कब किया गया? जयपुर मेट्रो का विधिवत शुभारंभ किया गया था 3 जून 2015 को। तो ये जयपुर मेट्रो वाला बहुत बार पूछा जाता है भाई, याद रखना है इसको। ठीक है, और राज्य में कौशल विकास हेतु कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग का गठन कब किया गया? तो ये 19 मई 2015 को किया गया था, यहाँ पे 2016 दे रखा है, तो 19 मई 2015 को कौशल नियोजन और उद्यमिता विभाग इसका गठन किया गया था। और रेवा पेयजल परियोजना झालावाड़ में जुड़ी हुई है 23 सितंबर 2014। तो ये सही आंसर कौन सा हो जाएगा? इसमें सही आंसर है, सही हो जाएगा। ठीक है, तो सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो 62 भी लंबा क्वेश्चन है, तो इसको भी आप पढ़ो फटाफट, इसका सही आंसर मैं बता देता हूँ। किशन जी कह रहे हैं गुड, ओके सर जी बहुत अच्छा, राजकुमार जी भी आप सही आंसर बता रहे हो, ठीक है बहुत सही आंसर है। देखो भाई इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा वो बता देता हूँ, क्वेश्चन को पढ़ लेना बहुत बड़ा है। राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। भाई कौन होता है? इसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है, यहाँ पे विधानसभा प्रतिपक्ष नेता है वो नहीं होता है। तो ये इसमें दे गलत आंसर है, बाकी सारे के सारे सही है। यहाँ पर भी अगर मैं विधानसभा प्रतिपक्ष नेता की जगह मुख्यमंत्री कर दूं तो सही हो जाएगा। ठीक है, और राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अपने अध्यक्ष से और 4 सदस्यों के साथ मार्च 2000 में ये क्रियाशील रूप में आया था राजस्थान में, याद रखना इसको भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अब भाई ये पढ़ लो, बहुत लंबा है, ठीक है। इस काव्य का नाम तो, काव्यम का नाम तो आप पढ़ ही लो, ठीक है, अच्छा रहेगा यार। रेट है देखो, जल्दी आ जानी चाहिए, फिर देखते हैं कब। यार वेट कर रहे हैं, सभी वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये देखो, करमचंद्र वंशोत्क्रम काव्य में किस शासक की समानता दानिकरण से की गई है? तो भाई किससे की गई है? तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? दया आंसर है इसमें, राव लूणकरण सर से की गई है। और ये काव्य किससे लिखा गया है, किसके द्वारा लिखा गया है? ये बिट्टू सुजा के द्वारा काव्य लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गई है? बिट्टू सुजा के द्वारा जो काव्य है राव जैतसिरो छंद, उसमें भी जो बिट्टू सुजा के द्वारा जो काव्य लिखा गया है राव जैतसिरो छंद, बिट्टू सुजा के द्वारा कौन सा काव्य लिखा गया है? राव जैतसिरो छंद, इसके अंदर भी ये कहा गया है भाई, राव जैतसिरो छंद, इसमें भी बिट्टू सुजा के द्वारा राव जैतसिरो छंद, इसमें भी राव लूणकरण सर को कलयुग का करण कहा गया है, और इस काव्य में भी कहा गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट है, दादू दयाल के उस भगत का नाम क्या था जिसने सबसे पहले दादू की जीवनी लिखी थी? ये बताओ भाई। देखो, दादू दयाल के उस भगत का क्या नाम था जिसने सबसे पहले दादू की जीवनी लिखी थी? तो सही आंसर हो जाएगा इसमें, जन गोपाल है, इनके द्वारा लिखी गई थी, और इनके द्वारा जो जीवनी लिखी गई थी उसका नाम था द लाइफ स्टोरी ऑफ दादू दयाल, द बुक ऑफ जन्म लीला। बुक का क्या नाम था? द लाइफ स्टोरी ऑफ दादू दयाल, द बुक ऑफ जन्म लीला, ये लिखी थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है 65 नंबर। जोधपुर में निर्मित उम्मेद भवन पैलेस का वास्तुकार कौन था? जोधपुर में निर्मित उम्मेद भवन पैलेस का वास्तुकार कौन था? देखिए, जोधपुर में निर्मित उम्मेद भवन पैलेस, इसका वास्तुकार ये थे हेनरी वॉन लंकचेस्टर। ये आंसर दोस्तों इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, घरानों और कलाकारों को आपको सुमेलित करना है, और इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़िएगा और उसके बाद में इनको आप सुमेलित कीजिएगा। ऐसे हवा में आपको राइट आंसर नहीं लगाने हैं, ठीक है। तो आप अच्छे से पढ़िए इसको, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा। पहले के अंदर देखो, मेवाती घराना गाजी नजीर खान था, बीकानेर घराना ये अल्लाह जिलाबाई थी, और अलरावली जयपुर घराना ये उस्ताद अल्दिया खां थे। बे आंसर दोस्तों इसमें सही आंसर है, और स्टार प्लस स्टडी आपका आंसर बिल्कुल सही आंसर है। राजकीय सेवाओं की जानकारी नागरिकों को सुगम, पारदर्शी और विश्वसनीय तरीके से प्रदान करने के लिए राज्य सरकार द्वारा जन सूचना पोर्टल कब प्रारंभ किया गया? देखिए, जन सूचना पोर्टल है, इसका उद्देश्य क्या था वो तो हमने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ ही लिया। अब हमें यह भी पता होना चाहिए कि ये शुरू कब किया गया। तो ये किया गया था 13 सितंबर 2019 को किया गया था। बे आंसर दोस्तों इसमें क्या है अपना? सही आंसर है, याद रखना ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, और ये वाला भी। आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत कब की गई? तो ये की गई है 1 सितंबर 2019 से। कब की गई है? 1 सितंबर 2019 से ये की गई है। तो ये अपने राजस्थान जीके के क्वेश्चन थे। अब हम हिंदी के कुछ क्वेश्चन है वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। उम्मीद करूंगा कि वो भी आपको अच्छे क्वेश्चन लगेंगे और पसंद आएंगे। पर अब तक अगर आपको पसंद आया अपनी क्लास, तो यार इसको लाइक और अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसा नहीं है कि यार नए के बराबर है वो स्टूडेंट अपनी क्लास को देखे लगातार, ठीक है। तो यार आपकी लाइव की संख्या लगातार बढ़नी चाहिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर करो, ठीक है। और कल भी अपनी क्लास है वो 9:30 बजे होगी, फिक्स टाइम रहेगा अपना 9:30 बजे। देखो, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, तो इसमें सही आंसर हो जाएगा, गरिमा का चरित्र अच्छा है, ठीक है। दया आंसर सही हो जाएगा। निम्न में से घर का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो देखो, घर को हम शाला भी कहते हैं, सदन भी कहते हैं, और निकेतन भी कहते हैं, पर पावक है वो हम आग को कहते हैं, ना कि हम घर को। तो दया आंसर सही आंसर हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट है, दांत काटी रोटी, दांत काटी रोटी इस मुहावरे का अर्थ क्या है? दांत काटी रोटी इस मुहावरे का अर्थ क्या है? दांत काटी, जैसे आपके और मेरे बीच में दांत काटी रोटी का एक संबंध है, क्योंकि आप लगातार मुझे देखते हो, आप मेरा कंटेंट है वो पसंद करते हो, मेरी क्लास पसंद करते हो, अपने दोस्तों को शेयर करते हो, अपनी क्लास को लाइक भी आप करते हो। दांत काटी रोटी आपको मैंने दे दिया, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, गहरी दोस्ती, ठीक है। सही आंसर इसमें सही आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है, वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द शुद्ध है? देखिए, वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द है वो है अमावस्या। कौन सा है? अमावस्या इसमें सही आंसर है, बाकी तो सारे गलत है। देखो, वर्दी का विलोमवार्थी शब्द क्या है? देखो, वर्दी का मतलब होता है बढ़ना, और आपको पता है हास है इसका मतलब होता है घटना। तो दया आंसर इसमें क्या हो जाएगा? इसका विलोमार्थ हो जाएगा। नेक्स्ट है, अपेक्षा और उपेक्षा का सही युग्म शब्द कौन सा है? तो देखिए, एक तो आपके पास दे रखा है अपेक्षा और एक दे रखा है उपेक्षा। दोनों में आपको पढ़ने में भले ही समान लग रहे हो, पर इनका अर्थ दोनों का अलग अलग है। एक का अर्थ तो होता है आवश्यकता और दूसरे का होता है अवहेलना। तो दे आंसर दोस्तों इसमें क्या होगा? सही आंसर होगा। तो देखो, अर्थ का अनर्थ ऐसे होता है, अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अपने लिए किए हुए उपकार को याद रखने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो यह है कर्तक। कौन सा है भाई? कर्तक इसमें सही आंसर, सही आंसर इसमें सही है। निम्नलिखित में से किसमें व्यंजन संधि है? निम्नलिखित में से किसमें व्यंजन संधि है? तो देखिए, व्यंजन संधि है वो किसमें है? तो दोस्तों सही आंसर हो जाएगा उन्नति। व्यंजन संधि किसमें है? उन्नति में है। नेक्स्ट है, आत्मोत्सक का सही विच्छेद है। तो देखिए, आत्मोत्सक इसका सही विच्छेद है वो है आत्मपलक उत्सर्ग। सही आंसर इसमें सही आंसर है। नेक्स्ट आंसर है अपना, निम्न में से किस में उप उपसर्ग लगा हुआ है? तो इसमें देखो, बे आंसर है उप प्लस योग। उप प्लस योग, तो इसमें उप उपसर्ग लगा हुआ है। शायद आपने भी इसका सही आंसर है दे दिया होगा कि उप उपसर्ग किस में लगा हुआ है। तो सही आंसर इसमें बे आंसर है, वो सही हो जाएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रमांक में सही मेल नहीं है? इन क्वेश्चनों को भाई, ये प्रशासनिक शब्दावली है, इसको याद जरूर कर लेना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन है, आपका 1% आपके 100% आएगा, तो इनको जरूर याद कीजिएगा। देखिए, पेंडिंग लंबित को कहते हैं, सभी को पता है ये। ये प्रोफेशनल ये कार्मिक को कहते हैं, और राशन है वो रसद को कहते हैं। ये सही है, पर ये दे वाला आंसर है, ये आंसर आपका गलत है। इसमें दे आंसर इसमें गलत है। 80 नंबर है अपना केनी, इंग्लिश के हैं, थोड़े फास्ट कर देता हूँ, मेरी इंग्लिश वैसे कमजोर है तो मैं आपको ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा। डायरेक्शन यहाँ पे दे रखा है, इस डायरेक्शन के आधार पर अपन सही आंसर है वो डी आंसर कर लेंगे, और इसी डायरेक्शन के आधार पे हम इसको भी हम क्या कर देंगे, इसको भी हम ए आंसर है वो सही कर देंगे। और इसी डायरेक्शन, इसी प्रकार के डायरेक्शन है अपने पास, और इन डायरेक्शन के आधार पे हम यहाँ पे जो ये वाला है फिबल, इसका सही आंसर चुनेंगे। तो बे आंसर इसमें सही आंसर, ठीक है। और ये रिमिस है, इसका सही आंसर क्या होगा, इसी का हम चयन करेंगे यहाँ पे। तो इसमें भी देखो, डायरेक्शन मैंने यहाँ पे साइड में दे रखा है, इन डायरेक्शन को आप पढ़िएगा। आप वीडियो पॉज करके वो आंसर दे सकते हैं, मैं वैसे इसका आंसर बता देता हूँ, ब्यूटीफुल होता है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है ल्यूर, इसका भी देखो आपके पास यहाँ पे मैंने दे रखा है। यहाँ पे वैसे तो यहाँ पे अपोजिट मीनिंग वाला है यहाँ पे, ठीक है। तो अपोजिट मीनिंग है ल्यूर, इसका अपोजिट क्या होता है? रिपेल होता है। बया आंसर दोस्तों इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें इसमें है जो पनगेंट है, ये पनगेंट है ये लिख रखा है यहाँ पे, इसका पूछा है, बाकी का नहीं, पनगेंट है जो इसका पूछा है। तो इसमें क्या होगा? डायरेक्शन अपने पास यहाँ पे दे रखा है, तो इसी बेस पे हम ये क्वेश्चन करते हैं, तो इसमें मिल्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिल्ड। नेक्स्ट अपना यहाँ पे देखो, अपने पास ऊपर दे रखा है 86 to 88, ठीक है। यहाँ पे नॉर्मली ये क्या है, ये आपके पास आइडम है, ठीक है। आइडम यानी आपकी जो लोकाप्ति, वही पर ये इंग्लिश में है वो हिंदी में थी। तो इसका सही आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? लाइक एन ओवन, वेरी हॉट। लाइक एन ओवन, ओवन आपको पता है गर्म के लिए होता है, तो यहाँ पे वेरी हॉट हो जाएगा, इसका सही आंसर ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप किसी चीज बहुत ज्यादा गर्म है तो आप कह सकते हो लाइक एन ओवन, कह सकते हो, आप लोकाप्ति यूज कर सकते हो। टू क्राई वॉल्फ, टू क्राई वॉल्फ, इसका सही आंसर हो जाएगा टू गिवन फेल्स अलार्म। तो इसमें बे आंसर दोस्तों सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, हेल्ड आउट फॉर ए मंथ। देखिए, आप यहाँ पे ये पूरा दे दिया, ठीक है, यहां तक दे दिया, पर ये वाला जो हेल्ड आउट है ना, इसी का आपको बताना है, इसका अर्थ क्या होगा, या लोकाप्ति है या जो भी है आइटम है ये भी, इसका क्या होगा? तो हेल्ड आउट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा रेस्ट के,
दया दया आंसर यहाँ पे भी सही हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से देखो 89, 89 में अपन को जो गलत है वो बताना है। तो 89 में हम देखेंगे इसको, तो ये हमने देख लिया कि भाई ये सारी है, तो इसमें जो सी वाला ऑप्शन है ना वो गलत है, सी वाला गलत है। और लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये भी अपन को गलत बताना है इनमें से कौन सा गलत है। अगर किसी में कोई गलती नहीं है तो अपन को नो एरर कर देना है। ठीक है, तो हमें ये चूज करना है, अगर आपकी अच्छी इंग्लिश है तो आप पकड़ लोगे कि इसमें ए गलत है। अब ये क्वेश्चन तो थे अपने इसके, अब भाई मैंने यहाँ पे पार्ट बी है, ये पार्ट बी है जिसमें अपना रीजनिंग आता है, मैथमेटिक्स आता है, वो इसमें नहीं लिया है। मैंने इसके अंदर डायरेक्ट कंप्यूटर के क्वेश्चन लिए हैं, वो मैं आपको करवा देता हूँ, क्योंकि पिछली बार मैंने जब आपको ये करवाया था ना तो आप में से अधिकतर जनों को नींद आने लग गई थी भाई। ठीक है, और तो मैं नहीं चाहता कि मेरी क्लास में किसी को नींद आए, मैं चाहता हूँ कि मेरी क्लास इंटरेस्टिंग बने और आप लोग मेरे साथ जुड़े रहे, और अपने दोस्तों के बीच में आप जरूर क्लास को शेयर करें। तो देखो, टेक्स्ट की पंक्ति में आरंभ में जाने के लिए कौन सी कुंजी हम दबाएंगे, जिससे हम कोई भी टेक्स्ट है, जैसे ये टेक्स्ट है तो इसके पंक्ति में शुरुआत में यहाँ चले जाएंगे, तो इसके लिए हम दबाएंगे होम बटन। किसको दबाएंगे? होम बटन दबाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, कागज में और प्रिंटिंग हेड का संपर्क होता है। देखिए कौन सा प्रिंटर है, उस प्रिंटर के अंदर कागज और प्रिंटिंग हेड का संपर्क होता है। तो सही आंसर दोस्तों इसमें हो जाएगा इम्पैक्ट प्रिंटर। और यहाँ पे राजकुमार चौधरी, आप लगातार आंसर दे रहे हो, बहुत अच्छा है कि आप जुड़े हुए हो। कविता जी, विष्णु, आप भी जुड़े हुए हो, बहुत अच्छा लगता है। वीडीयू का विस्तृत रूप क्या है? देखिए वीडीयू का विस्तृत रूप क्या है, ये भी आपको जानना जरूरी है कि वीडीयू है इसका विस्तृत रूप क्या है। इसको आप पढ़िए अच्छे से, आप पढ़ोगे तो आपको आंसर देने की शक्ति में होंगे आप। वैसे वीडियो का अर्थ होता है विजुअल डिस्प्ले यूनिट। सही आंसर दोस्तों इसमें सही होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपना यहाँ पे है, किस प्रकार के प्रिंटर को मोनो प्रिंटर कहा जाता है? देखो किस प्रकार का प्रिंटर है जिसको हम मोनो प्रिंटर के नाम से कहा जाता है, और इसकी क्षमता को डीपीआई, डीपीआई का मतलब क्या होता है? कई बार डीपीआई का मतलब पूछ लेते हैं और आप नहीं बता पाते हो। तो डीपीआई का मतलब होता है डॉट, पी का होता है पर, आई का होता है इंच, डॉट पर इंच। तो सही आंसर हो जाता है इसमें बे आंसर। ठीक है, प्रभु लाल जी आप भी हमारी क्लास में जुड़े हुए हो, सी आंसर बता रहे हो, बहुत अच्छा आंसर है, सही आंसर आपका। चलिए, वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर कौन था? देखिए वाणिज्यिक उपयोग के लिए उपलब्ध कराया गया पहला कंप्यूटर है ये था यूनिवेक। कौन सा था भाई? यूनिवेक था, बे आंसर सही है। निम्नलिखित में से मॉडिफायर की या कुंजी नहीं है? फनी टिच, आप ये आंसर बता रहे हो, बहुत अच्छा भाई। निम्नलिखित में से मॉडिफायर की नहीं है, देखो इसमें से शिफ्ट मॉडिफायर की होती है, कंट्रोल और अलर्ट होती है। इसका मॉडिफायर की का मतलब क्या होता है कि इनको किसी के साथ दबाते हैं, जैसे अलर्ट प्लस हम कुछ भी दबाएंगे तो वो अपनी विंडो खुल जाएगी, जैसे हम कंट्रोल प्लस सी दबाते हैं तो कॉपी हो जाता है, कंट्रोल प्लस वी करते हैं तो पेस्ट हो जाता है। ठीक है, तो ये मॉडिफायर की होती है, इंटर है इसका मॉडिफायर की, हम इंटर के साथ में कोई की दूसरी नहीं दबाते हैं, तो इस पर ये मॉडिफायर की नहीं है। तो दया आंसर इसमें सही है। नेक्स्ट, कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर पेज मेकर किस ऑपरेटिंग सिस्टम से संबंध रखता है? तो कविता जी, विष्णु, मुकेश कुमार जी आपका आंसर आ रहा है यहाँ पे, प्रभु लाल जी आपका आंसर आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है भाई, आप कंटिन्यू आंसर दे रहे हो, विंडोज के साथ रखता है। नेक्स्ट है अपना, डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई एक होता है। डिजिटल चित्र की सबसे छोटी इकाई एक होता है, एक क्या होता है भाई? एक पिक्सल होता है। क्या होता है? एक पिक्सल होता है। दया आंसर सही है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असंगत अपन को बताना है, यानी देखो ये आपको फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, पीरोम की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, ईपीरोम की पूछी जा सकती है, ईपीरोम की पूछी जा सकती है, WORM इसकी पूछी जा सकती है, फुल फॉर्म पूछी जा सकती है। तो इसमें से जो गलत है वो होता है सै वाला आंसर है, वो गलत है। बाकी तीनों देखो, ये भी सही है, ये भी सही है, और ये भी सही है। तीन में गलत क्या है? तीन में देखो ये 2 नंबर पे आना चाहिए और ये 1 नंबर पे आना चाहिए। इलेक्ट्रिकली इरिजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होना चाहिए, पर यहाँ पे इरिजेबल इलेक्ट्रिकली प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी है, तो ये 1 नंबर पे आएगा, ये 2 नंबर पे आएगा, तब जाके ये सही होगा, इसलिए ये असंगत है। बाकी सारी एकदम सही फुल फॉर्म लिखी हुई है, तो याद कर लेना, इनको रट लेना। रोम में उपस्थित स्थाई प्रोग्राम को हम किस नाम से जानते हैं? देखो रोम में उपस्थित स्थाई प्रोग्राम है उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो जो रोम के अंदर उपस्थित जो स्थाई प्रोग्राम होता है ना
उसको हम बायोस कहते हैं। क्या कहते हैं? बायोस। और बायोस की फुल फॉर्म कई बार पूछी है तो ये आप याद रख लेना, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस ये होता है भाई, स्थाई, याद रख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरेकल। ओरेकल क्या है? देखिए ओरेकल है ये क्या है? ओरेकल क्या है? एक प्रचलन तंत्र, एक शब्द संसाधक सॉफ्टवेयर, डाटाबेस सॉफ्टवेयर या सारे? तो ये है भाई डाटाबेस सॉफ्टवेयर। ओरेकल क्या है? एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर है। सही आंसर, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनिक्स की मुख्य भाषा है, यूनिक्स की मुख्य भाषा है, यूनिक्स की मुख्य भाषा कौन सी है? तो यूनिक्स की मुख्य भाषा है असेंबली। कौन सी है? असेंबली यहाँ पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है ये केंद्रीय प्रोसेसिंग इकाई तथा मुख्य मेमोरी के बीच का भाग है। देखो प्रोसेसिंग इकाई सीपीयू, ठीक है, और मुख्य मेमोरी इसके बीच का भाग है जिसका उपयोग बार बार उपयोग में आने वाले डेटा और निर्देशों को संग्रहित करने में किया जाता है। तो यह है केस मेमोरी। मुकेश जी आपका सही आंसर आ रहा है भाई, बहुत अच्छे आंसर आ रहे हैं आपके, बे आंसर इसमें सही आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है, प्रिंटिंग की वह तकनीक जो टाइपराइटर की तकनीक के समान होती है, इसको हम किस नाम से जानते हैं? तो हम इसको कहते हैं इम्पैक्ट प्रिंटिंग। इसको हम किस नाम से जानते हैं? इम्पैक्ट प्रिंटिंग कहते हैं। और अपनी क्लास का भाई लास्ट क्वेश्चन है, सभी जने इसका आंसर बताएंगे और अपना स्कोर है वो जरूर शेयर करेंगे। भले ही अपनी 1 घंटे की क्लास ये हुई हो, पर इस 1 घंटे के अंदर मैं दावे से कह सकता हूँ जिसने मेरी 1 घंटे की क्लास शुरू से लेकर लास्ट तक देखी है और इन क्वेश्चनों के ऊपर अमल किया है, तो वो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन एग्जाम में पाएंगे। आपके जो आने वाले एग्जाम है उसमें कहीं ना कहीं ये आपको देखने को मिल जाएंगे। ये इतनी मैं उम्मीद करता हूँ आपसे, और कि आपने इस वीडियो को लाइक किया है, अपने दोस्तों के बीच में शेयर भी आपने किया है, और भाई चैनल को अगर पहली बार देखते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो, बेल आइकन जरूर दबाया करो, क्योंकि मैं इस प्रकार की आपको डेली लाइव क्लास है वो अपडेट करता हूँ और आपको उपलब्ध करवाता हूँ, और इनकी पीडीएफ फाइल भी आपको फ्री में वेबसाइट के ऊपर उपलब्ध करवा देता हूँ, जिसके लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल रखा है। नहीं तो आप भाई देखो ये www.jpbhakar.com ये सर्च कर लो और वहां से चले जाओ, सही आंसर हो जाएगा। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट आपका सही आंसर इसमें सही था। तो ये अपने 150 क्वेश्चन यानी 105 क्वेश्चन हमने किए हैं। जिस भाई के भी 105 में से अगर 70 क्वेश्चन सही है वो अपना आज भी अच्छा तैयारी मान सकता है, पर जिसके 70 से कम है उसको बहुत जरूरत है ज्यादा तैयारी की। तो उम्मीद करूंगा आपने सही आंसर दिए होंगे सभी। मिलेंगे एक नई क्लास के साथ कल, अपनी 9:30 बजे क्लास होगी, राजस्थान जीके की क्लास होगी, और परसों अपना ये पटवारी का मॉडल पेपर आपको फिर देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं नई क्लास के साथ, तब तक के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।